घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट करो। खुद को समझता क्या? अल्लू अर्जुन ने ठुकराया करोड़ों का ऑफर, किस एड को करने से किया मना, आखिर क्या पुष्पा 2 तोड़ेगी पुष्पा का रिकॉर्ड। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मौलिग्राज स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। दोस्तों, अगर आप सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। दोस्तों, पुष्पा द राइज की सुपरहिट होने के बाद मार्केट में अल्लू अर्जुन की मांग बढ़ गई है। ऐसे में कई फिल्मों के साथ टीवी एड के लिए अल्लू अर्जुन को करोड़ों का ऑफर मिला है। हाल ही में अल्लू अर्जुन को पान मसाला का टीवी एड मिला था, लेकिन करोड़ों की फीस मिलने के बाद भी अल्लू ने इसके लिए इनकार कर दिया। रिपोर्ट की माने तो पुष्पा 2 के सभी भाषा में हिट होने के आसार भी अब ज्यादा है, इसीलिए पुष्पा एक्टर को इतना अप्रोच किया जा रहा है। अल्लू अर्जुन को पान मसाला के लिए पूरे 10 करोड़ का ऑफर मिला था। बताया जा रहा है कि अल्लू ने पान मसाला का ऐड करने से इनकार कर दिया। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेड एनालिस्ट मनोबाला का मानना है कि अल्लू अर्जुन को एक शराब कंपनी का भी ऑफर आया, जिसको उन्होंने 10 करोड़ के लिए ठुकरा दिया। 10 करोड़ का ऑफर उन्हें मिला। एक्टर ने कहा कि वो किसी भी नशे के सेवन या इस चीज का प्रमोशन नहीं करना चाहते, जिससे कि ऑडियंस पर गलत असर पड़े और वो इसे फॉलो करे। पुष्पा की बात करें तो लगभग 300 करोड़ की कमाई की और अब इसीलिए पुष्पा 2 का बजट बढ़ाकर 350 करोड़ कर दिया गया है। पुष्पा 2 की स्क्रिप्टिंग भी अलग है, जहां पर पुष्पा खत्म हुई वहीं से पुष्पा 2 की कहानी शुरू होगी। बीच में ये भी कहा जा रहा था कि श्रीवल्ली अब आपको पुष्पा 2 में नजर नहीं आएगी, लेकिन मेकर्स ने कंफर्म कर दिया है कि श्रीवल्ली भी पुष्पा 2 का बहुत ज़्यादा अहम पार्ट होने वाली है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं पुष्पा 2 के लिए, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज़ को।